आज की सुबह की शुरुआत मेरी इस मौसम के साथ और इस हैवी वेट के साथ हो रही है, मतलब ये बैग मुझे अभी नीचे पहुंचाना है। बाय बाय, याद रहोगे आप लोग? ठीक है, बाय बाय बाय, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ओके। और आज मौसम देखो इतना साफ था और सही टाइम पे आया। अभी ये भाई लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं। सतीश भाई गुड मॉर्निंग, अभी भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रदर, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सर। तो चलो रनिंग शुरू करते हैं अपनी। आज देखो इतनी लेट हो गए ना, मैं सुबह पता कितने बजे निकला घर से, लगभग 6:30 बजे निकला हूँ, क्योंकि गेस्ट थे उनको जाना था बद्रीनाथ के लिए। और ये मेरे साथ, मतलब अगर मैं 75 हार्ड डे का चैलेंज ले लेता हूँ ना, तो ये मेरे साथ बहुत दिक्कत आएंगी। या तो मेरे को सिर्फ एक टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मतलब दिन का काम होता ना तो मैं कर लेता, लेकिन काम ऐसा हो गया कि मेरा या तो सुबह का होता है और या फिर रात का होगा। अब रात पता नहीं, कभी लेट नाइट हो जाता है, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और निपटा लेने में बहुत देर हो जाती है, तो इसीलिए वो मैं हो नहीं पा रहा है। और वो मुझसे, मुझे पता है कि वो होगा भी नहीं, क्योंकि अगर काम, या तो काम छोड़ना पड़ेगा या इसके लिए, और काम में छोड़ नहीं सकता है तो 75 हार्ड डे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैं अपना नॉर्मल रूटीन ही फॉलो करूंगा। बाकी अभी पूरे गांव में धूप आ गई और कल रात बारिश हुई थी, उसके बाद हमारा गांव कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जैसे ही गेस्ट चेकआउट करते हैं, सबसे पहला काम रहता है कि मेरा रूम को क्लीन करना है, और मम्मी का काम रहता है किचन को क्लीन करना है। अभी तो छोटे छोटे ही ग्रुप आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा नॉर्मल सा हो जाता है, किचन तो थोड़ा नॉर्मल ही होता है, रूम भी फटाफट हो जाता है। लेकिन जैसे बड़े ग्रुप आने लगता है ना, तब जाकर हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि एक का चेक इन होता है, एक का चेकआउट होता है, चेक इन होता है, चेकआउट होता है, उसमें फंस जाता है आदमी। तो अभी मैंने रूम तो क्लीन कर दिया, बाकी अब चलते हैं नहाने के लिए और उसके बाद करते हैं अपना नाश्ता। और दादी की भी देखो गुड मॉर्निंग हो गई आज, जय श्री राम, जय श्री राम। दादी देखो अपने को शीशे पे निहार रही है, इधर इधर क्या निहार रही है तू? तो अपने को यहाँ देख, शीशे पे देख। क्या देख रही तू शीशे पे ऐसे? कि बुढ़ी हो गई है? शीशे पे ऐसे देख रही कि बुढ़ी हो गई? आंखें देख रही? अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ मुंह धो लिया? ठीक है। तो नहा के मस्त हो गए रेडी, बाकी करते हैं आज के एक नए दिन की शुरुआत, नए व्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है मयंक नेगी और मैं पहाड़ों में रहता हूँ, और पहाड़ों में रहने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना पहाड़ी बातें, अपना पहाड़ी कल्चर, अपने गांव की वेशभाषा, क्या यहाँ पे रीति रिवाज हैं, कैसे लोगों का रहन सहन होता है, वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अपनी डेली लाइफ स्टाइल, कैसा हम जीते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ। और इससे ना मतलब आप लोगों को भी फ़ायदा होता है कि गांव की चीज़ें सीखने को मिलती है, और हम लोगों को भी फ़ायदा होता है। वैसे ही फ़ायदा पता क्या होता है, हमारे गांव के बहुत सारे लोग ना बाहर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ से प्लान करना ही पड़ता है, किसी चीज़ के रोज़गार के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। अब वो काफ़ी लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं, जैसे उनमें से ना एक कुंवर जी हैं, कुंवर भैया हैं, बड़े भैया हैं वो, तो वो हमेशा डेली व्लॉग देखते हैं। जब मैंने बीच में स्किप किया था व्लॉग, तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला था मैसेज करके कि भाई व्लॉग क्यों नहीं बना रहा। पहले मेरे को पता नहीं था वो व्लॉग देखते हैं, फिर उन्होंने बोला व्लॉग बना ले, बोला मतलब याद आती है गाँव की। तो वो ना वो चीज़ें मेरे को सच में टच कर गई, वो चीज़ें कि यार मतलब लोग बाहर से देखते हैं और कितनी उनको याद आती है गाँव की, और आए भी क्यों ना यार यादें कि जहाँ अपना बचपन गुजारा हो, जो साथी जिनके साथ बड़े हुए हों, आज रोज़गार के चक्कर में बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन आज भी वो गाँव की यादें आती हैं। तो इसी चक्कर में मैंने बोला यार मतलब जब सब लोगों को फ़ायदा होता ना तो काम करना चाहिए, चाहे मतलब उस चीज़ से मेरे को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन मतलब काम करना चाहिए। मैंने इसीलिए व्लॉग बनाना शुरू किया, मैंने बोला भाई किसी को तो फ़ायदा हो, कोई तो अपने गांव को देखे। और इसी चक्कर में मैंने, और मेरे मतलब मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का कि यार मतलब मेरे को पहले नहीं पता चलता गांव से मेरे को इतने लोग देखते हैं, और अब मेरे को पता चल रहा है कि गांव से बहुत लोग देखते हैं, कि यार जो बाहर रहता है ना वो चीज़ें वो देखते हैं कि हमारे गाँव में क्या चल रहा है, क्या आजकल हो रहा है, तो वो चीज़ें ना बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे। तो इसीलिए मैं डेली व्लॉग बनाना चाहता हूँ कि अपने गांव में जो भी हो रहा है, जो भी लोग काम क्या कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं लोगों को भी दिखाता हूँ। बाकी अभी मैं आया था घर से थोड़ी सी दूर व्लॉग बनाने के लिए, अब चलते हैं घर पर नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में मम्मी ने बनाया आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। हमने ना नाश्ता 9 बजे कर दिया था, और गेस्ट के लिए अभी बनाया मतलब 11 बजे, और उनके लिए पराठे बनाए हैं, दही है, अचार है और कॉफ़ी है। हमारा जो ये रास्ता है ना, ये धीरे धीरे करके नीचे निकल रहा है, मेरे को लग रहा है कि एक महीना भी मुश्किल ही टिकेगा यहाँ पे, अगर बारिश हुई तो सब बह जाएगा ये। और ये रास्ता बनाने के लिए कम से कम ना हमें 15 से 20 कट्टे चाहिए होंगे, तब जाके हम मतलब
सीमेंट लाके सरिया लाके जो भी नॉर्मल काम रहेगा वो कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता है मैं कूटने लग जाता हूँ। और अभी तो मतलब ये 3-4 ही इकट्ठे हो रहे हैं और इतने पत्थर अभी कूटने बाकी हैं। तो हमेशा पापा सुबह सुबह क्या करते हैं, पत्थर ले आते हैं कंडे पे, यहाँ पे डालते हैं और मैं दिन में जो भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत उसमें कूटने लग जाता हूँ, क्योंकि जो कंक्रीट है वो घर पे अगर मतलब कूट जाए तो फिर काम करने में इजीली हो जाता है, नहीं तो बहुत आफत होती है। तो अभी शाम के ना 6 बज गए और आज मैंने पूरे दिन भर ना ये वाली कंक्रीट पूरी तोड़ दी, मतलब जितने यहाँ पे पत्थर थे अब थोड़ा सा ही बचे हैं और इतना ढेर लगा दिया मैंने। तो आज दिन भर का काम यही था, सुबह जो गेस्ट थे उनका काम सारा खत्म करके फिर मैं यहाँ लग गया था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने कोई भी कंक्रीट मतलब वो तोड़ी थी, ऐसे ही इधर उधर हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि पूरे दिन भर कल पता नहीं क्या हो जाएगा तो आज इसको कूट लेते हैं, कल का पता चला कहीं चले गए या कुछ काम पड़ गया, तो आज मैंने निपटा दिया ये। अभी पापा शाम कल मतलब और पत्थर लेके आ जाएंगे तो फिर कूटना स्टार्ट करेंगे टाइम मिलेगा तो। बाकी मौसम कुछ ऐसा है मतलब बारिश हो सकती है आज भी फिर रात को। तो आज हमारे डिनर में है पनीर की सब्जी, दाल और खीरे, रोटी, चावल, मतलब खूब सारा खाना है। और मैं सोच रहा था कि डाइट कर लूँ लेकिन पता क्या हो रहा, मैंने सुबह दिन में सोचा, सुबह ही सोचा कि डाइट कर लूँ लेकिन 2-3 रोटी सुबह खाई, दिन में 2 पराठे खाए, भाई भूख लगती जा रही है। तो या तो धीरे धीरे आदत बनेगी या पता नहीं क्या होगा, तो देखता हूँ कि मतलब खाना कम खाया जाता है नहीं खाया, क्योंकि मेरे पेट में चर्बी है ना वो चर्बी कम करनी है। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि डाइट कर ले तो इससे हो जाएगा, तो देखते हैं होता है नहीं होता है। बाकी कुछ ऐसा था आज का दिन। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं पहाड़ों की लाइफस्टाइल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।